चांदबाली रे बड़ लड़े उभय बीजेडी एवं बीजेपी पाई समाधान प्रश्न चांदबाली लड़ुंच राज्य बीजेपी सभापति मनमोहन सामल पूर्व दुई थर चांदबाली हारी एथर जितने सब् प्रयास करपर हाट्रिक लक्ष्य में बीजेडी व्योमकेश राय अनेपटे बाजी मार आशावादी कांग्रेस अमीय महापात्र बीजेडी हैट्रिक लक्ष्य में व्योमकेश राय बीजेपी राज्य सभापति मनमोहन सामल प्रार्थी होती 2014 और 2019 रे चांदबाली हारी मनमोहन सेपटे कांग्रेस छिड़ा होती अमीय महापात्र 2009 एवं 2014 रे लड़ी हारी एथर चांदबाली देखिबो हेवीवेट हाई वोल्टेज लड़े भद्रक जिलार चांदबाली निर्वाचन मंडली राज्य राजनीतिर दुई टाणुआ नेता निर्वाचन मंडली गोटेपटे बीजेपी राज्य सभापति मनमोहन सामल एवं अन्यपटे विधायक तथा बीजेडी रे दबदबा रखुवा जुव बीजेडी राज्य सभापति व्योमकेश राय तेणु समस्त नजर यह निर्वाचन मंडली उपरे एकदा कांग्रेस गड़ भावे परिचित चांदबाली निर्वाचन मंडली एवं बीजेडी दखल 2009 बीजेडी हाथ में चांदबाली 2009 विधायक होते विजय नायक विजय को टक्कर 7613 भोट हारी कांग्रेस प्रार्थी अमीय कुमार महापात्र 2014 प्रार्थी परिवर्तन करिथिला बीजेडी चांदबाली मैदान को ओल्लैते व्योमकेश राय कांग्रेस एवं बीजेडी मध्य देखा मिलता टक्कर कांग्रेस प्रार्थी अमीय कुमार को 24883 भोट्रे हरई व्योमकेश 38952 खंड भोट पाई तृतीय थे बीजेपी प्रार्थी मनमोहन सामल 2019 व्योमकेश को रिपीट करिथिला बीजेडी 2019 किंतु कांग्रेस को रिप्लेस करिथिला बीजेपी 2009 2014 बीजेडी सहित कांग्रेस फाइट होता बेले 2019 मुहांमुही होते बीजेडी और बीजेपी बीजेडी को कड़ा टक्कर देता बीजेपी मात्र 8080 भोट्रे हारी मनमोहन सामल एथर पुणि थे व्योमकेश को प्रार्थी करजेडी निर्वाचन में पुणि थे बाजिमात करने नुआ रणनीति प्रस्तुत कर दल बीजेडी विधायक चंद्रसारथी बेहरा देवीरंजन त्रिपाठी प्रशांत बेहरा माधव सर्दार प्रकाश बेहरा एपरि 8 जन नेता चांदबाली दल स्पेशल दायित्व चांदबाली अनेक विकास कम कर चांदबाली जो प्राइमरी प्रॉब्लम सब मिनिमम जो रिक्वायरमेंट थी से गुडाक आम एड्रेस कर लोक मान समर्थन दिनक दिन बढ़िवार लगी विशेषकर माननीय मुख्यमंत्री के प्रति लोक जो भल पाइबार रही अनेक मात्रा रे युवक छात्र एवं सब वर्ग लोक प्रभावित कर सब कुछ देखिले चांदबाली आम दुई थर जीति एथर निश्चित भाव में हैट्रिक लोक आशीर्वाद रु हम तेणु मु आशावादी अच्छी जे चांदबालीवासी मत पुणी थे एथर विधायक भाव में निर्वाचित करेंगे लोक मैंने माननीय मुख्यमंत्री श्रीजुक्त नवीन पटनायक कार्य जहाँ करम चांदबाली निर्वाचन मंडली श्रीजुक्त डॉक्टर व्योमकेश राय नेतृत्व में निश्चित भाव लोक मैंने आपको स्वागत योग्य कर ग्रहण कर विकास व्योमकेश पाखु आरंभ चांदबाली ए भावर कि ना आम कांडरड़ी ग्राम पंचायत विजु जनता दल हजार रु ऊर्ध भोट लीड दब डॉक्टर व्योमकेश राय को आसन पुणी थे निजर भाग्य परीक्षा कर मनमोहन सामल 2014 और 2019 निर्वाचन आसन पराजयर सामना कर मनमोहन राज्य सभापति थी सम्मान पलटि चांदबाली आसन बीजेपी शीर्ष नेता मनमोहन प्रचार करने को अंटा भिड़ी मनमोहन प्रचार कर छत्तीसगढ़ रायपुर विधायक पुरंदर मिश्र घर को घर बुली पद्म फूल से भोट देवा अपील करपरी अमित शाह चांदबाली निर्वाचन सभा को संबोधित कर बीजेपी प्रार्थी को भोट दे डबल इंजन सरकार करने को बीजेडी विजय धारा ब्रेक लगवा स्वतंत्र रणनीति प्रस्तुत बीजेपी समस्त आशीर्वाद सहयोग शुभेच्छा एवं भारत यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को तृतीय थर प्रधानमंत्री करिवार ओडिशा रे बीजेपी सरकार करिवार एवं चांदबाली सर्वांगीन उन्नति पाई चांदबाली बीजेपी को जितेबार निश्चित भाव निर्वाचन लोक मैंने संकल्प नहीं संकल्प लोक मान जो संकल्प से लोक नेतृत्व में लोक निर्वाचन दायित्व साधारण लोक नहीं तेणु मु सब साधारण लोक पुणी थे मंत्रकरण संग्रामी
अभिनंदन जनाउछि, धन्यवाद जनाउछि, कृतज्ञता ज्ञापन करुछि। आज सारा ओडिशा भाजपा को क्षमता को आनिया को जेमिति अग्रसर हेछि सेहिभली भाबरे एथर आठ पंचायत रे मध्य परिवर्तन हबाकु जाउछि। सेपटे कांग्रेस रु पुणि थरे मैदान को ओल्लाइछन्ति अमिय महापात्र। 2009 एवं 2014 रे बीजेडी प्रार्थीों ठार पराजित होइतिले। 2019 रे प्रार्थी परिवर्तन करी दिगंबर दास को प्रार्थी करितला कांग्रेस। हेले 2019 रे कांग्रेस रो भोट हार कमिबा सह तृतीय को खसीतला दल। तेणु पुणि थरे अमियंक उपरे आस्था प्रकट करिछि कांग्रेस। घन घन रोड शो सांग को बाइक शोभायात्रा करी शक्ति प्रदर्शन करुछन्ति अमिय। उभय केन्द्र एवं राज्य सरकार को विफलता को मुद्दा करी भोटरों हृदय जितने को चेष्टा करुछन्ति। ଲୋକଙ୍କ ସତପୃତ ଭାବେ ଆମ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, ତ ଆମେ ଆଶାବାଦୀ, ବହୁତ ଲୋକ ବି ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ କରିବୁ ଏବଂ ଲୋକ ଜାଣିସାରିଲେଣି, ସେମାନେ ତ ମନସ୍ଥ କରିସାରିଲେଣି। ଏଥର ବିକଳ୍ପ ହିଁ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟ ଦେଇ MLA ଏବଂ MP କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍କୁ ଜୟଯୁକ୍ତ କରିବେ, ଏତେ ମୁଁ ଦୃଢ଼ ଆଶାବାଦୀ। 2019 ରେ ବିଜେଡି ସପକ୍ଷରେ ହାୱା ଥିଲା, ଏବେ 2024 ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ବିଜେଡିର କିଛି ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ ନେତା ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାହା ସହ ବିଜେପିର ନିଜସ୍ୱ ଭୋଟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସେପଟେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ, ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଜେଡି ଆଗରେ ବିଜୟ ପାଇଁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିଛି। ଚାନ୍ଦବାଲି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଛି, କାରଣ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ, ରାଜ୍ୟ ଯୁବ ବିଜେଡି ସଭାପତି ବ୍ୟୋମକେଶ ରାୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଡ଼ା ମୁକାବିଲା ହେଉଛି। କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ଅମିୟ ମହାପାତ୍ର ପଛରେ ପଡ଼ି ନାହିଁ। ଗତ 19 ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ବିଜେପି ଥିଲା, ଆଉ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ବିଜେଡି ବ୍ୟୋମକେଶ ରାୟ ଦ୍ୱିତୀୟବାର ପାଇଁ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନ 2024 ତାର ଚିତ୍ର ପୁରା ଓଲଟା, କାରଣ ଅଧିକାଂଶ ନେତା ବି ଦଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି, ଅଧିକାଂଶ କର୍ମୀ ବି ଦଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। 19 ନିର୍ବାଚନ ସ୍ଥିତି 2024 ଭିତରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉ ନାହିଁ। ଏଥର ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ ଜିତିପାରିବେ କି ମନମୋହନ ସାମଲ, ନା ବ୍ୟୋମକେଶ ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ କରିବେ, ନା 20 ବର୍ଷ ପରେ କମ୍ବ୍ୟାକ୍ କରିବ କଂଗ୍ରେସ? ଚାନ୍ଦବାଲି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ରେଜଲ୍ଟ ଉପରେ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ ଦେବାଶିଷ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।